नमस्कार दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं सौरभ दोस्तों आज आई का सड़सठवा मैच खेली जाएगी जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच होने वाली है दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको फिर से दोस्तों सभी जो है डिटेल्स बताने वाला हूं दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन से प्लेयर का जो फॉर्म है वो कैसा है आज जो मैच होने वाली है उसमें कौन सा बैट्समैन ज़्यादा रन बना सकते हैं कौन सा बॉलर आज ज़्यादा विकेट्स ले सकते हैं तो सब कुछ मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला दोस्तों इन सभी प्लेयर्स का प्रीवियस मैचेस का मैं आपको जो है फॉर्म भी दिखाने वाला हूँ जिससे आपको अच्छे से अंदाजा लगेगा और पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे का अपना जो आज फॉर्म दिखा सकता है एंड सेकेंड चीज़ दोस्तों आज जो पिच होने वाली है वो पिच कैसा होने वाली है इसमें ज़्यादा रनस बन सकते हैं या फिर ज़्यादा विकेट जा सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा टोटल पिच रिपोर्ट देने वाला हूँ एंड लास्ट थिंग दोस्तों मैं आपको लास्ट में अपना टीम बना के दिखाने वाला हूँ कि आज का मेरा जो टीम होने वाली है वो कैसा होने वाली है मैंने किन जो है मैं किसको कप्तान बनाऊँगा किसको वाइस कप्तान बनाऊँगा सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ तो आप क्लियरिटी मिल जाएगी दोस्तों कि आपको भी अपना टीम है वो कैसा बनाना है बनाना है तो सबसे पहले दोस्तों का जो इनका रिकॉर्ड है सबसे पहले दोस्तों डेविड वॉर्नर का फॉर्म देख सकते हैं छियालीस रन चौवन रन जीरो रन बाईस रन दो रन और जीरो रन लास्ट मैच में लास्ट दो मैच में बहुत अच्छा रन बनाए हैं उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पी सॉल्ट देख सकते हैं छब्बीस रन नाबाद रहे थे किस रन सत्रह रन अट, 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 एटी सेवन रन से, जीरो रन एंड फिफ्टी नाइन रन तो ये भी बहुत अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट प्लेयर हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मिचल मार्स तो ये दोस्तों फर्स्ट मैच में नहीं खेले थे फिर तीन रन पाँच रन फिर तीन विकेट भी मिला था इनको उसी मैच में छब्बीस रन दो विकेट एक में नहीं खेले थे और तीसरा तेसठ रन, तीस रन चार विकेट तो दोस्तों ये जो मैच था बिल्कुल सबसे बेस्ट फॉर्म में यहाँ पर ये दिखे थे तो इस तरह से इनका फॉर्म है जो नेक्स्ट दोस्तों यार दोस्तों आप इनका देखते एट्टी टू रन फाइव रनस पैंतीस रन पैंतीस रन आठ रन और एक में यहाँ पे प्ले नहीं किए हुए थे तो इनका भी फॉर्म हम जो है अच्छा ही मान सकते हैं नेक्स्ट है मनीष पांडे दोस्तों जो मनीष पांडे हैं वो इनका जो खास उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है एक मैच पे तो ये खेले नहीं थे फिर जीरो रन सत्ताईस रन फिर एक में नहीं खेले थे और दो मैचेस में इन्होंने सिर्फ एक एक रन बनाया था यानी कि इनका भी जो फॉर्म है वो कुछ खास अभी अच्छा नहीं चल रहा है नेक्स्ट है दोस्तों हर्षर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अक्षर पटेल तो ये फर्स्ट मैच में दोस्तों एक रन एक विकेट मिला था इनको फिर दूसरा में एक रन इक्कीस यहाँ पे इक्कीस रन एक विकेट उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे दो रन दो विकेट फिर आठ रन सत्ताईस रन उनतीस रन और एक विकेट तो इस तरह से करके इनका भी जो है फॉर्म अच्छा ही है क्योंकि दोस्तों ये देखते आप ये अधिकतर मैच में मतलब लगातार मैच में इन्हों इनको जो है विकेट्स मिलता ही है तो एज ए आप इनको बॉलर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं बैट्समैन में दोस्तों अच्छे यहाँ पे रन ये बना लेते हैं और नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कुलदीप यादव जीरो रन यहाँ पे जो है जीरो विकेट दस रन फिर एक विकेट एक विकेट जीरो विकेट एक विकेट और जीरो विकेट तो इनका दोस्तों फिफ्टी फिफ्टी चांस है विकेट्स लेने का तो ये चीज़ देख सकते हैं उसके बाद है एम कुमार तो यहाँ पे दोस्तों जीरो रन छः रन एक विकेट उसके बाद एक में नहीं खेले थे फिर एक विकेट फिर एक में नहीं खेले थे फिर जीरो विकेट तो इनका भी फॉर्म जो है आप फिफ्टी या फिर फोर्टी सिक्सटी मान सकते हैं लेना चाहे तो आप ले सकते हैं बट दोस्तों मैं रिकमेंड नहीं करता हूं मैं आपको लास्ट में वैसे दिखाऊंगा ही कि मैं किन किन प्लेयर्स को यहां पे अपने टीम पे ऐड करने वाला हूं उसके बाद उसको यहां पे खलील अहमद हैं एक विकेट ज़ीरो विकेट एक विकेट दो विकेट दो विकेट और एक में प्ले नहीं किए हुए थे तो इनका भी फॉर्म अच्छा ही चल रहा है उसके बाद उसको यहाँ पर ईशांत शर्मा देख सकते हैं ये जितना भी मैचेस खेले हुए दोस्तों यहाँ पे इनको अधिकतर मैचेस में यहाँ पे जो विकेट्स है वो मिला हुआ है दो विकेट दो विकेट जीरो जीरो दो और एक यानी कि छः मैचेस में इनको सिर्फ दो मैच में दोस्तों विकेट नहीं मिला है बाकी चार मैच में इनको हर मैच में ही विकेट्स मिल रहा है उसके बाद है दोस्तों लास्ट पृथ्वी शॉ तो ये तो दोस्तों चार के लास्ट चार मैचेस तो प्ले किए ही नहीं थे ये लास्ट मैच खेले हुए थे दोस्तों जिसमें से इन्होंने फोर्टी फोर यहाँ पे फिफ्टी फोर रन बनाए थे तो ये मतलब आप एक मैच से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं ऐसे अगर हम इससे पूछेंगे दोस्तों तो इनका जो चांस है चलने का, का आज का मैच में उसमें थर्टी परसेंट है चलने का जी हाँ हो सकता है आउट भी हो जाए या फिर चल जाए मतलब यहाँ पे दोस्तों कम चांस है चलने का तो ये रहा दोस्तों यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के, के जो है प्लेयर्स का फॉर्म अब चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं आज का जो पिच है वो पिच रिपोर्ट कैसा होने वाला है वहाँ पे बैटिंग को सपोर्ट आज मिलेगी या फिर बॉलिंग को सपोर्ट मिलेगी ये सब कुछ के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज का जो मैच होने वाली है वो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में होने वाली है और यहाँ पे अगर आप देखते हैं दोस्तों जो है पिच कैसा है तो सबसे पहले ये जो पिच है वो बैटिंग को सपोर्ट करेगा गुड फॉर पेसर्स जो पेस पेसर जिसके बॉलिंग में मतलब फास्ट बॉलर्स को ये सपोर्ट करेगा उसके बाद तो लास्ट पाँच मैचेस का आप रिकॉर्ड यहाँ पे देख सकते हैं एक सौ छियासठ का एवरेज निकल के आ रहा है और जो विकेट्स मिला दोस्तों तो वो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट मिला है यहाँ पर आप देखते एक विकेट ही ज़्यादा है यहाँ पे दोस्तों तो जो, जो है दो विकेट ज़्यादा है इक्कीस विकेट मिला है पेसर्स को मतलब फास्ट बॉलर्स को एंड यहाँ पे उनतीस विकेट्स मिला है स्पिनर्स को टोटल यहाँ पे सिक्सटी विकेट्स पाँच मैच में जा चुका है इस पिच के अंदर तो इसे दोस्तों आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस बॉलर को कैसा सपोर्ट मिलने वाली है अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पाँच टोटल इसमें बारह जो है मैचेस खेले जा चुके हैं दोनों टीम्स के बीच में जिसमें से पाँच मैच दिल्ली जीती हुई है और सात मैच यहाँ पर चेन्नई जीती हुई है तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो चलिए हम यहाँ पे टॉप थ्री प्लेयर्स के बारे में जानते हैं थ्री बैट्समैन के बारे में कि इस पिच के अंदर कैसा फॉर्म है यहाँ पे टॉप थ्री बॉलर्स के बारे में भी जानने वाले हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पीस यहाँ पे फ्लिप सॉल्ट है तो इनका दोस्तों जो है चार मैच ये खेल हुए इस पिच के अंदर 43 का एवरेज है एंड एक का स्ट्राइक का यानी कि बिल्कुल बहुत बढ़िया इनका जो है यहाँ पे फॉर्म चलता है इस पिच के अंदर नेक्स्ट है डेविड वार्नर पांच मैच खेल चुके हैं छत्तीस का स्ट्राइक यहाँ पे एवरेज है एंड एक सौ चालीस का स्ट्राइक रेट है तो इनको भी सही ही मान सकते हैं एंड उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ तीन मैच खेल चुके हैं दो सौ चौंतीस का एवरेज है एंड एक सौ इकसठ का यहाँ पे स्ट्राइक रेट है तो ये भी बहुत ही अच्छा इनका भी स्ट्राइक रेट इसमें चलता है अगर हम टॉप थ्री यहाँ पे बॉलर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते ईशांत शर्मा पाँच मैच खेल चुके हैं वन पॉइंट सिक्स का एवरेज विकेट टेकर है एंड एट पॉइंट फाइव का इकोनॉमी है उसके बाद नेक्स्ट है मिचल मार्स देख सकते हैं पांच मैच खेल चुके हैं वन पॉइंट फोर का ये एवरेज विकेट टेकर है दोस्तों एंड 9 का इनका इकोनॉमी है तो इनका भी जो फॉर्म है ये इस पिच के अंदर बहुत बेहतरीन है जो नेक्स्ट है वो लोइंग गिड़ी है दोस्तों यहाँ पे देख सकते तीन जो है मैचेस खेल चुके हैं वन पॉइंट थ्री का विकेट टेकर है एवरेज है एंड दस का इकोनॉमी है तो बहुत बढ़िया इनका इकोनॉमी इस पिच के अंदर होने वाली है दोस्तों ये रहा पिच रिपोर्ट अब चलिए दोस्तों इस पिच के अंदर जो है और मतलब अभी तक टोटल कितने मैचेस खेले जा चुके हैं और जो है कितना हाईएस्ट स्कोर बना वो उसके बारे में जानते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि आज का जो मैच होने वाली है वहाँ पे ज़्यादा रन बनेंगे बन सकते हैं और अगर रन बन सकते तो कितना रन बन सकता है उससे आपको बहुत बेहतरीन अंदाजा लग जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिच के अंदर टोटल छः मैचेस खेले जा चुके हैं अरुण जेटली स्टेडियम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल छः मैचेस खेले जा चुके हैं दोस्तों जिसमें से जो दो बार फर्स्ट बैटिंग करने वाले मैच जीत चुके हैं एंड चार बार चेस करने वाले जीत चुके यानी कि सेकेंड बैटिंग करने वाले जीते हुए हैं और अगर हम यहाँ पे मैचेस की बात करें तो सबसे पहले गुजरात एंड दिल्ली के बीच मैच हुआ था जिसमें दोस्तों यहाँ पे देखते जो दिल्ली है वो एक रन बनाई थी और गुजरात एक रन बना के अठारह पॉइंट एक ओवर में ही मैच जीत गई थी इस पिच इस मैच में दोस्तों यहाँ पे नौ विकेट्स मिला था फास्ट बॉलर्स को और तीन विकेट मिला था स्पिनर्स को तो यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिला अगर दोस्तों सेकेंड मैच की बात करें दिल्ली वर्सेज मुंबई तो यहाँ पे दोस्तों दिल्ली है जो एक रन बनाई थी और ऑल आउट हो चुकी थी और मुंबई एक सौ तिहत्तर मना ये मैच जीत चुकी थी और आठ विकेट मिला था फास्ट बॉलर्स को और चार विकेट मिला था स्पिनर्स को तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं थर्ड जो मैच हुआ था वो कोलकाता वर्सेज़ दिल्ली के बीच हुआ था जिसमें से दोस्तों जो यहाँ पे कोलकाता एक रन ही बना पाई थी और जो दिल्ली है एक रन बना चुकी थी बना के यहाँ पे जीत गई थी उन्नीस पॉइंट दो ओवर्स में और इसमें दोस्तों पाँच विकेट मिला था फास्ट बॉलर्स को और दस विकेट मिला था स्पिनर्स को तो इस मैच में स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिला था अगर हम चौथे मैच की बात करें तो ये हुआ था हैदराबाद वर्सेज़ दिल्ली के बीच तो यहाँ पर आप देख सकते दोस्तों जो यहाँ पे हैदराबाद है यहाँ पे जो दिल्ली दोस्तों एक रन बनाई थी और हैदराबाद यहाँ पे दोस्तों एक सौ संतानवे रन बना के जो मैच है वो जीत गई थी और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आठ विकेट मिला था फास्ट बॉलर्स को और पाँच विकेट मिला था स्पिनर्स को अगर पांचवें मैच को हम देखें दोस्तों तो ये हुआ था बेंगलोर वर्सेस दिल्ली के बीच तो यहाँ पे आप जो ये बेंगलोर है दोस्तों एक सौ इक्यासी रन बनाई थी चार विकेट के नुकसान पे और दिल्ली यहाँ पे एक सौ सतासी रन बना के जो मैच है वो जीत गई थी सोलह ओवर चार गेंदों में और दोस्तों अगर हम यहाँ पर विकेट्स की बात करें इस मैच का तो छः विकेट मिला था फास्ट बॉलर को और एक विकेट मिला था स्पिनर को तो ये रहा यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा पांचवा मैच का डिटेल्स अगर हम लास्ट छठा मैच का डिटेल देखें तो ये हुआ था पंजाब वर्सेस दिल्ली के बीच में जो कि दोस्तों यहाँ पे जो पंजाब है वो एक सट, सट, रन बनाई थी सात विकेट के नुकसान पे और दिल्ली यहाँ पे एक रन ही बना पाई थी और ये जो मैच है वो पंजाब जीत गई थी और इसमें दोस्तों पाँच विकेट मिला था यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को एंड नौ विकेट मिला था स्पिनर्स को तो दोस्तों अगर आप ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पे जो अधिकतर दोस्तों यहाँ पे जो विकेट्स गए हैं किसी मैच में ज्यादा विकेट्स यहां पे फास्ट बॉलर्स ने लिया है और किसी जो है मैच में यहां पे स्पिनर्स ने ज्यादा विकेट्स लिया हुआ है कि हम यहां पे 40 जो है दोस्तों यहां पे फोर्टी नाइन एंड यहाँ पे जो है फिफ्टी वन परसेंट ये चीज़ हम यहाँ पे मान सकते हैं तो ये ना दोस्तों पूरा पिच रिपोर्ट इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आज का जो मैच होने वाला है वो कैसा मैच होने वाला है और मुझसे अगर आप पूछेंगे तो यहाँ पे आज का जो मैच हो सकती है दोस्तों वो जो है ज़्यादा चांस है हाइएस्ट रन यहाँ पे बन सकता है दोस्तों हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है क्योंकि अधिकतर मैच में यहाँ पे जो है हाई स्कोरिंग ही मैच हुआ है अब दोस्तों चलिए जो है हम जानते हैं इन दोनों टीम्स के बीच में पहले ही 2023 में एक मैच हो चुकी है तो उस मैच का डिटेल जान लेते हैं कि उसमें किसका कैसा फॉर्म था और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अब और, और अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा प्लेयर कैसा जो है फॉर्म अपना यहाँ पर दिखा सकता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सी एस के वर्सेज़ दिल्ली के बीच एक मैच हुआ था जिसमें से जो सी एस के एक सौ सड़सठ रन बनाई थी दोस्तों यहाँ पे आठ विकेट के नुकसान पे और दिल्ली एक सौ चालीस रन बना के जो मैच है वो जीत गया था अगर दोस्तों हम यहाँ पे सभी प्लेयर्स के फॉर्म के बारे में बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले आप जैसे सी एस के का मैं आपको बताऊँगा ऋतुराज गायकवाड़ दो सौ चौबीस रन बनाए थे डैवन कॉनवे दस रन अजिंक्य रहाणे इक्कीस रन उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे मोइन अली आप देख सकते हैं मोइनली जो बनाए थे वो यहाँ पे सात रन शिवम दुबे पच्चीस रन यहाँ पे अंबाती रायडू तेईस रन रविंद्र जाडेजा दोस्तों सौ इक्कीस रन उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इनको एक विकेट भी मिला था एम एस धोनी जी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सौ बीस रन उसके बाद यहाँ पे दीपक चेहर को दो विकेट मिला था और जो एम पथ है इनको तीन विकेट मिला था तो ये रहा दोस्तों यहाँ पे जो है सी एस के का आने की चेन्नई सुपर किंग्स के फॉर्म का मतलब जो है रन स्कोर कैसा किसका फॉर्म है अगर हम यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं डेविड वॉनर जीरो में आउट हो चुके थे पी सॉल्ट सत्रह रन मिचल मास पाँच रन इनको तीन विकेट भी मिला था दोस्तों उसके बाद देखते हैं यहाँ पे मनीष पांडे सत्ताईस रन आर ऋसो पैंतीस रन यहाँ पे जैसे जो यहाँ पे दोस्तों आर पटेल हैं वो दस रन बनाए थे यहाँ पे अक्षर पटेल हैं वो इक्कीस रन बनाए थे इनको दो विकेट भी मिला था ये जो है खलील अहमद को एक विकेट मिला था जो यहाँ पे ललित यादव है दोस्तों ये बारह रन बनाए थे इनको एक विकेट भी मिला था और कुलदीप यादव को एक विकेट मिला था तो ये रहा दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के पूरा डिटेल मतलब कैसा किन का फॉर्म है और यहाँ पे अगर आप साइड में देखते तो यहाँ जो मेरा ड्रीम का ड्रीम एलेवन का टीम था ये भी बहुत बेहतरीन है दोस्तों और यहाँ पे मुझे अधिकतर प्लेयर्स ने जो ड्रीम टीम दिए हुए हैं सबसे पहले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस यानी कि दोस्तों यहाँ पे ग्यारह प्लेयर्स में से दस प्लेयर्स ने जो है अपना ड्रीम टीम यहाँ पे आ चुके थे यानी कि बहुत बढ़िया यहाँ पे टीम जो है मैंने लगाया हुआ था अब दोस्तों चलिए आपको दिखाता हूँ आज का जो है टीम बना के मैंने आपको सारा डिटेल्स बता दिया कि कौन सा प्लेयर का फॉर्म कैसा है आज का पीछे है वो कैसा होने वाला है और जो है सभी कुछ बता दिया और अब मैं आपको जो टीम अभी दिखाऊंगा बना के ये मेरा दोस्तों इनिशियल टीम होगा जी हाँ और मैं अपने टीम में चेंजेस वगैरह करता हूँ टॉस होने के बाद और मैं जो फाइनल टीम होता है वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूँ सात बज के पाँच मिनट में तो इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर जा सर्च कर सकते हैं और नोहब उसे आसान है आप टेलीग्राम को ओपन करें वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा ज्वाइन ज़रूर से कीजिएगा और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब टॉस होती है और उसके बाद कौन बैटिंग कर रही है कौन फर्स्ट बॉलिंग कर रही है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैं अपना जो है कैप्टन वाइस कैप्टन भी चेंज करता हूँ एंड बदलता हूं एंड उसके बाद दोस्तों मैं अपने प्लेयर्स को भी एड एंड ड्रॉप करता हूँ इससे आपको जो है मतलब कौन प्लेयर खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है वो टॉस होने के बाद ही पता चलता है लाइन आने के बाद तो इसलिए मैं बहुत कुछ चेंज करता तो जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को मेरा फाइनल टीम देखने के लिए अब चलिए दोस्तों मैं अपना जो मेरा इनिशियल टीम है वो आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का टीम सबसे पहले दोस्तों मैंने विकेट कीपर पर पे अगर आप देखते तो मैंने डेविन कॉनवे एंड पी सॉल्ट को रखा हुआ है मेरे जो बैट्समैन है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डेविड वॉर्नर अजिंक्या रहाणे यार रूसो शिवम दुबे एंड ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने रखा हुआ है तो ये दोस्तों आज का जो पिच होने वाली है वो बैटिंग को सपोर्ट करेगी तो यहाँ पे मैंने पांच बैट्समैन को रखा हुआ है उसके बाद दोस्तों मेरे जो ऑलराउंडर्स हैं वो रविंद्र जडेजा एंड मिचल मार्स होने वाले क्योंकि दोस्तों जो मिचल मार्स हैं वो पिछला जो है इनमें जो साथ में हुआ था मैच उसमें अच्छा खासा विकेट्स ले हुए थे तीन विकेट इसलिए मैंने इनको ऑलराउंडर में एड किया हुआ है मेरे जो बॉलर्स हैं वो ईशान शर्मा हैं एंड दीपक चहर है और दोस्तों मैंने जो कप्तान बनाया है वो डेविन कॉनवे को बनाया है एंड वाइस कप्तान बनाया है मिचेल मिचल को तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का इनिशियल टीम और जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो कुछ भी मैं चेंज करूँगा मेरा फाइनल टीम जो होगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बताऊँगा तो जरूर से आप टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करके रखिएगा मेरा फाइनल टीम देख सकते हैं और वहाँ से आप जो है एग्जैक्ट कॉपी भी कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप मेरे टीम को देख के इंस्पायर होकर आप अपना एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी एंड आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और एक बहुत ही बेहतरीन टीम आप अपना खुद बना सकते हैं तो फिलहाल में दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था अगर आपको वीडियो इन्फो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो इंटरेस्टिंग लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कीजिएगा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा तो चलिए मिलता है दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम